हे गाइस, दिस इज डम्पस्टर एंड आज 2022 का लास्ट डे यानी 31st ऑफ दिसंबर है एंड इसी खुशी में मैं आपको 10 ऐसी बेस्ट गेम्स बताऊंगा जो कि इसी साल रिलीज हुई है एंड उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्रेस द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वॉच योर टोन बॉय। द कैलिस्टो प्रोटोकॉल क्राफ्टन की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम। लिटरली काफी लोग इस गेम को खेलने के लिए हाइप थे। इवन इस गेम के रिलीज होने के बाद इस गेम के साउंड डिजाइनिंग, विजुअल ओरिएंटेशन और वॉइस एक्टिंग को काफी तारीफ मिली। ये गेम मेरे एक्सपीरियंस में काफी तगड़ी थी बिकॉज इस गेम को खेलने के बाद मुझे मेरे बचपन की याद आ गई जब मैं डेड स्पेस खेला करता था। ऑल्दो ये गेम में काफी परफॉर्मेंस इश्यूज थे बट स्टिल ये गेम काफी तगड़ी थी। शिफू, ये गेम लिटरली अनएक्सपेक्टेड गेम में से एक है। पहले मुझे लग रहा था कि ये गेम बस ऐसी कोई एक्शन फाइटिंग गेम होगी जस्ट लाइक टेकन, जिसे कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया जा रहा हो, बट इस गेम के मूव्स ने मुझे हिलाकर रख दिया एंड स्टोरी वाज लिटरली एपिक। स्टार्टिंग में स्टोरी काफी चीज़ी लगती है जिसमें मेन कैरेक्टर अपने फादर एंड मास्टर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है, पर स्टोरी के और आगे बढ़ते इस गेम की स्टोरी बोरिंग नहीं और इंटरेस्टिंग होती रहती है। प्लस मेन चीज, इस गेम का कॉम्बैट डिजाइन जो कि परफेक्टली डेवलप्ड था, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई गेम खेल रहा हूं। एंड इन द एंड में दिस गेम वाज द बेस्ट फाइटिंग गेम ऑफ 2022। डैंग लाइट 2, इस गेम को कौन नहीं जानता होगा। डैंग लाइट 1 का सीक्वल जो कि मुझे लगा नहीं था कि इतना बढ़िया होगा। एंड इवन इस गेम ने डाइंग लाइट की स्टोरी को भी काफी अच्छे से कंटिन्यू रखा और हमेशा की तरह पार्कोर इस गेम का भी नेक्स्ट लेवल पे था। ऑल्सो इस गेम का एनवायरनमेंट और वेपन इस बार नेक्स्ट लेवल पे थे, मतलब लिटरली मेरे को तो भाई अलग अलग तरीके के वेपन दिख रहे थे एंड दैट्स व्हाई ये गेम भी मेरे को पूरी वर्थ इट लगी। गोस्ट वॉर टोक्यो, अब देखो मैं एक स्टोरी लाइन टाइप का गेमर हूं जो कि गेम्स को सिर्फ स्टोरी के लिए खेलता है, मतलब मैं जब भी गेम खेलता हूं तब मैं उस गेम की स्टोरी के अंदर घुसा जाता हूं एंड इसलिए ये गेम मुझे काफी तगड़ी लगी। एज अ गेमर एंड वीप मुझे ये गेम थोड़ी बहुत माकोटो शिंकाई की कॉम्प्लेक्स स्टोरी की याद दिला रही थी एंड That's why this was awesome. ये गेम वैसे भी जापान की शिबुया डिस्ट्रिक्ट में सेट थी जो कि काफी पॉपुलर जगह है एंड ऑल्सो इस गेम के विजुअल्स काफी एपिक थे। ऑल्दो मुझे लगा कि ये गेम काफी स्कैरी होगी पर ये उतनी भी डरावनी नहीं थी एंड ये चीज मेरे लिए काफी बढ़िया थी। एस मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही हॉरर गेम कम्प्लीट कर रखी है एंड देवर आउटलास्ट 1 और 2, वो भी 8 से 15 अटेम्प्ट के बाद। स्ट्रे, ये गेम भी काफी अनएक्सपेक्टेड थी, लाइक मुझे कभी लगा ही नहीं था कि किसी बिल्ली को कंट्रोल करने में और उसकी स्टोरी खेलने में मुझे कभी इतना मजा आएगा एंड इस गेम का एनवायरमेंट इतना ऑसम था कि मैं बता भी नहीं सकता हूं। और सबसे बेस्ट चीज थी इस गेम की स्टोरी। वैसे अगर इस गेम की स्टोरी पर फुल फोकस करके खेलोगे तब इसकी स्टोरी कुछ 2 घंटे की है, पर स्टोरी कितनी इमोशनल है ये सिर्फ उन्हें पता है जो कि इस गेम को इसकी स्टोरी के लिए खेल रहे होंगे। एंड अगर आपने इस गेम को नहीं खेला देन आई रिकमेंड यू टू प्ले दिस गेम, काफी सही है। Horizon Forbidden West, ये गेम ऑल्दो पीसी के लिए अभी तक नहीं आई है लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा इसका गेम प्ले खेल लिया था एंड इसे खेलकर मैं समझ गया था कि इस गेम को बनाने में डेवलपर्स ने काफी मेहनत करी है। लिटरली इस गेम की छोटी से छोटी डिटेल इसे कैरेक्टर एनवायरमेंट एंड विजुअल्स को काफी परफेक्ट बनाते हैं एंड ऑल्सो इस गेम का कॉम्बैट काफी इंप्रूव हुआ है जो कि इस गेम को खेलने वाले को अलग अलग एक्सपीरियंस देता है। एंड सबसे बड़ी चीज की गेम काफी नॉमिनेशंस में भी आई थी जो कि बहुत बड़ी बात है। अब प्लेग टेल रिक्वेम, ये गेम बहुत ड्रास्टिक चेंज था अपनी फर्स्ट गेम से। पहले मैं जब प्लेग टेल के बारे में सोचता था तो मुझे इनसीन डिफिकल्टी, डार्क एनवायरनमेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने डार्क सोल्स और विचर से इंस्पायर्ड होकर इस गेम का एनवायरनमेंट बनाया हो, पर ये गेम कुछ अलग ही थी। इस गेम का एनवायरनमेंट बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल था, मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि इस गेम का कमबैक कुछ ऐसा होगा एंड देन स्टोरी वाज आल्सो एपिक और कॉम्बैट भी काफी सही हुआ, एटलीस्ट बेटर देन फर्स्ट पार्ट एंड मैं लिटरली रिग्रेट करता अगर मैंने ये गेम नहीं खेली होती तो। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, अनदर बेस्ट कमबैक फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइज। कॉड वैनगार्ड को खेलने के बाद मैं समझ गया था कि कॉड का बुरा टाइम अभी भी चल रहा है अंटिल दिस गेम वॉज अनाउंस्ड। कॉड मॉडर्न वॉरफेयर 2 एक ऐसी गेम थी जो कि हर कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर को चाहिए थी। अच्छे मैप्स, गुड स्टोरी लाइन, परफेक्ट वेपन फिजिक्स एंड साउंड्स और मल्टीप्लेयर कंटेंट विद कैरेक्टर्स लाइक पोग्बा, नेमार एंड मेसी, मतलब एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। इट वॉज लाइक ग्रीन कुरकुरे विद चाय, सॉरी मेरी थोड़ी गलत फेटिश है, पर जो भी हो दिस गेम वॉज ऑसम। मुझे गेम पूरी वर्थ इट लगी बस प्राइस छोड़कर। ऑफकोर्स कॉल ऑफ ड्यूटी है, अपनी गेम्स को महंगा तो रखेगी पर इसके अलावा एवरीथिंग वॉज परफेक्ट डाउन टू द लास्ट मिनट डिटेल। एल्डन रिंग, अनदर अनएक्सपेक्टेड गेम बाय फ्रॉम सॉफ्टवेयर। ये गेम हर डार्क सोल्स की तरह काफी डिफिकल्ट थी, मतलब इस गेम के बारे में बात करते वक्त डिफिकल्टी जैसा शब्द भी कमजोर लगता है, बट एक चीज बस परफेक्ट जो कि था इस गेम का वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड डिजाइन मुझे बाकी फ्रॉम सॉफ्टवेयर की गेम से काफी सही लगा। यू कैन सी स्टार्टिंग में लिमग्रेव के एनवायरमेंट को देखने के बाद आई वॉज प्रीटी शॉक्ड, मुझे लगा ही नहीं था कि इसका एनवायरमेंट इतना सुंदर भी हो सकता है। प्लस इस बार की जो स्टोरी टेलिंग थी वो काफी परफेक्ट थी एंड मुझे लिटरली लग रहा था कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ऑफकोर्स बॉस बैटल्स में बॉसेस तो तुम्हें पता ही होंगे कितने खतरनाक है, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं।
नहीं है एंड दैट्स व्हाई ये गेम गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीती थी। तो रिस्पेक्ट टू दिस मास्टरपीस। एंड लास्ट गेम पर जाने से पहले ये रहे कुछ ऑनरेबल मेंशंस, गॉथम नाइट्स, सेंट्स रो 5, नीड फॉर स्पीड अनबाउंड, हाई ऑन लाइफ एंड गोट सिमुलेटर। अब लास्ट एंड बेस्ट गेम, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। इस गेम की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इस गेम की स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपिंग, गेम डायरेक्शन, साउंड ट्रैक्स, कॉम्बैट्स, मतलब वो हर चीज जो कि एक लेजेंड गेम में होनी चाहिए वो इस गेम में मौजूद थी। मुझे ये गेम अपने कॉम्बैट्स और स्टोरी की वजह से तगड़ी लगी। एंड हमारा और सबका फेवरेट क्रेटोस, मतलब थैंक्स टू क्रिस्टोफर जज जिन्होंने इस गेम में क्रेटोस को आवाज देकर इस गेम के अंदर जान सी भर दी। एंड दैट्स व्हाई ही वॉन बेस्ट वॉइस एक्टर ऑफ 2022 गेम अवार्ड्स। जो भी कहो, मेरे लिए गॉड ऑफ वॉर वाज बेस्ट गेम ऑफ द ईयर एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। दैट्स व्हाई ही इज द एमवीपी एंड दैट्स व्हाट इज द गोट, द गोट। खैर, अब आप मुझे अपने कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इस साल आपका फेवरेट गेम कौन सा था। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन टू अप्रिशिएट माय वर्क, सब्सक्राइब दिस चैनल और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना जिससे मेरे चैनल के न्यू अपडेट्स को मिस ना करो। एंड इसी के साथ मैडम से मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कीप गेमिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू।